दमयंती वेश्रा जी ने प्रोफेसर दमयंती वेश्रा जी से आप सब परिचित हैं। राष्ट्र के प्रमुख सम्मान से सम्मानित होने वाली दमयंती वेश्रा जी को सदस्यता ग्रहण, माननीय विनोद तावरे जी और बैजेंद्र जय पांडा जी, श्री सिद्धांत महापात्रा जी को मेरा विनम्र निवेदन माननीय विनोद तावरे जी से होगा कि आप अपने नए साथियों का अभिवादन करें और संबोधित करें। माननीय विनोद तावरे जी। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के हमारे सभी नेतागण और अभी भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे मेहताब जी, दमयंती मिश्रा जी और सिद्धांत महापात्रा जी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना, ज्वाइन करना और जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व हर क्षेत्र में सफलता से कर रहे हैं, उसे प्रभावित होकर अलग अलग क्षेत्र से और अभी तो पूर्व के उड़ीसा जैसे प्रदेश से भी, विशेषकर मेहताब साहब तो इतने साल लोकसभा में रहे हैं, इतने टर्म साल नहीं, और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर जब उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो अभी के देश का नेतृत्व ये गांव, गरीब, युवा, किसान, दलित, मजदूर, शोषित, वंचित का एक सही रिप्रेजेंटेशन करता है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के किसी न किसी व्यक्ति के हित में ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम करती हुई सक्रियता से दिख रही है और इसलिए हमारे जैसे राजनीति में इतने साल रहने के बाद भी लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम अपना योगदान देने का मौका मिले तो हम और कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार उड़ीसा में राजनीतिक हालात बदले हैं, ऐसे मौके पर मेहताब साहब है, दमयंती दीदी है या सिद्धांत महापात्रा जी जैसे वहां के नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो मुझे विश्वास है कि उड़िया जनता जिस बदलाव को देखना चाहती है उस बदलाव को हम सफलता से उड़िया जनता के हित में, विकास में, मोदी जी के नेतृत्व में वहां हम कुछ कर दिखावाए, ऐसे साथी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनकी क्षमता का पूरा योगदान पार्टी उड़िया जनता के लिए, वहां पार्टी के लिए पूरी तरह से लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा आग्रह होगा माननीय भर्तृहरि मेहताब जी से ये संबोधित करें। मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के पास और यहाँ
विराजमान सारे भाजपा के नेतृमंडली, एक निर्णय जीवन के एक पड़ाव में लेना अनिवार्य हो जाता है। मेरा जो अनुभव है पिछले 26-28 साल में, राष्ट्रवाद और एकात्मता और पूर्वोदय, ये तीनों का समाहार भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही हो सकता है। कई उदाहरण है पिछले 10 साल से जो मैंने अनुभव किया, और मुझे लगा कि ये निर्णय सही होगा इस समय भाजपा के साथ जुड़ना और हमारे राज्य के प्रगति और उन्नति के लिए काम करने की एक मौका भाजपा के जरिए कुछ कर पाना। मैं शुक्रगुजार हूं इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ति, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी के विश्वास और नड्डा जी की प्रेरणा हमें आगे ले जाने में मददगार होगी। जैसे यहां हमारे मित्र यहां बैठे हैं, कई जनों को मैं जानता हूं, पर मंच पर जो विराजमान हैं सभी को मैं कई सालों से जानता हूं। एक नई टीम, नई शुरुआत, नई इनिंग्स मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूं, मुझे आशा है आपका पूरा समर्थन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका आभास आप अगर उड़ीसा आए तो खुद देख सकेंगे, और ये परिवर्तन मोदी जी के कारण हो रहा है, गृहमंत्री जी अमित शाह जी के कारण हो रहा है, और उसका परिचालन मनमोहन भाई जो यहां बैठे हैं, धर्मेंद्र भाई जो यहां बैठे हैं, उनके नेतृत्व से आगे चल रहा है। और बैजन जी तो है ही हमारे साथ, हम साथ साथ थे और आज साथ साथ हो गए। धन्यवाद। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम की प्रवर्तक रही है और पद्मश्री प्रोफेसर दमयंती बेसरा जी, जो समाज सेवा में तल्लीन संथाली महिलाओं के लिए पत्रिका और उनके विकास के लिए काम करने वाली प्रोफेसर दमयंती बेसरा जी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा विनम्र निवेदन होगा उनसे कि आपको संबोधित करें। माननीय तावड़े जी, माननीय बैजंत पंडा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश की प्रभारी माननीय श्यामल भाई और उसके साथ आज जो हम भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मेरी डाय में है सिद्धांत महापात्र जी, बाएं तरफ है जिनका ढेर सारे अभिज्ञता है राजनीति में, भर्तृहरि महताब जी, और मंच में बैठे हुए सभी को मैं सम्मान करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सामने बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं भाजपा को, पीएम मोदी जी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, उसके साथ
हमारे मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान को भी मैं धन्यवाद देती हूं। मेरे लिए खुशी की बात यह है, जनता की तो मैं थी पहले से भी, लेकिन आज से मैं सारी जनता की कल्याण कैसे होगा, ये जो नारा मुझे प्रेरित किया है सबके साथ सबका विकास का, उसमें मैं सहयोग दूंगी। ये मौका मुझे भाजपा ने दी है, इसलिए मैं और भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। मेरा विश्वास ये है, आप लोग अभी मोहताब जी से सुने कि उड़ीसा में एक परिवर्तन आ गया है, सचमुच ये हवा अभी उड़ीसा में बह रहा है, जिस हवा सबको छू लिया है। अभी ये जो पार्टी का जो आदर्श है, जो स्वच्छता है, उसमें उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। मैं एक नारी हूं और जो नारी शक्ति, जो नारी अभी तक ये सब उनके पास नहीं पहुंचा है इस विकास का, मैं उसमें उनको जोड़ूंगी, ये विश्वास मेरा है। और पार्टी मुझे जो भी काम देंगे, मैं उसको अपने प्रयास से मैं जरूर पूरा करूंगी, ये विश्वास मैं देती हूं। फिर सबको धन्यवाद देख के मेरी बात को यही विराम देती हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरा आग्रह है, राजनेता ही नहीं अपितु एक फिल्मकार भी, जो लगातार फिल्म अवार्ड पाने वाले, बैक टू बैक फिल्म अवार्ड इन्होंने पाया, और दो बार के सांसद सिद्धांत महापात्रा जी, आप संबोधित करें। मंच में उपस्थित हमारे सारे नेत्रमंडली, सबको मेरा प्रणाम, और सामने आप लोग भी। बस दो बात मैं बोलूंगा, जैसे मेहताब जी ने बोले कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, यह किस्सा शुरू हुआ था 2009 में जब मैं गुजरात गया था, तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री थे। कुछ चीज मैंने देखा वहां पे, और एक जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो भाव रखते हैं, उससे मैं काफी प्रभावित तब भी हुआ था, और मेरा सौभाग्य 14वीं-15वीं लोकसभा उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। तो मैं आशा रखता हूं आज मेरा जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के जो नेतृमंडली है सारे, उनके जो मार्गदर्शन होगा, मैं चाहूंगा कि उसमें हमारे राज्य उड़ीसा, उड़ीसा वासी जो हैं, जो सारे लोग हैं, बस जो मार्गदर्शन से, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो चीज मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में भी वैसे ही हो, और उससे भी आगे। और अंतिम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बैजन जी, धर्मेंद्र जी और मथुर जी, मनमोहन जी, सबका आभार व्यक्त करता हूं मैं। और बस यही बोलूंगा, जो भी मेरा राज्य के लिए और मेरे राज्य के जो लोग हैं उनके लिए जो भी अच्छा होगा, बस उसके लिए काम करते रहेंगे। और भाजपा के सारे कार्यकर्ता, सारे नेतृमंडली, सबके पास मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।